प्रतीक्षा, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं बहुत ही नई रेसिपी, बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो देखिए, हम यहाँ इस कटोरी से लिए हैं एक कटोरी चावल, जो कि चावल को हम रात में ही भिंगो दिए थे, बहुत अच्छे से फूल गया है चावल, देखिए बहुत अच्छे से हो गया है। और ये है धोई, इसे उड़द का दाल भी बोलते हैं, ये बिना छिलके वाला है, धोई भी बोलते हैं और उड़द का दाल भी आप बोल सकती हैं। और इसे हम भिंगो दिए थे रात में, इसको भी अच्छे से भिंगो के रख दिए थे। तो अब इसे हम पीस लेंगे और पीसने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि क्या करना है आगे। यहाँ पीस लिए हैं चावल का पेस्ट, पीस के तैयार कर लिए हैं। और ये जो धोई है उड़द का दाल यानी, इसे भी पीस लिए हैं। तो इस दोनों को हमें एक में ही मिक्स कर लेना है और इसमें भिंगोते समय आप थोड़ा सा मेथी दाना डाल दीजिएगा, ज़रूर दो या चार, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास मेथी का पाउडर है पिसा हुआ रखी है तो उसे आप इसी समय मिला दीजिए। और सबको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अभी इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस हमें मिक्स करना है। इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से फेंट देंगे। देखिए बस ऐसे ऐसे हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसे हम अब रख देंगे ढक के। कम से कम हम इसे 30 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, उसके बाद फिर हम आपको आगे का रेसिपी बताते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का दिखाते हैं कि क्या करना है। हेलो, तो देखिए जो हम ये पीस कर रखे हुए थे बेटर, आपको दिखाए थे चावल और ये उड़द का दाल, तो ये हमारा हो गया है 30 से 35 मिनट इसे पीस के रखे हुए। और अब इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, चावल अगर आप किसी भी कप से, जिस कप से चावल ले रही हैं, डेढ़ कप चावल लीजिएगा तो आधा कप उड़द का दाल लीजिएगा इस रेसिपी को बनाने के लिए। और ये अब बिल्कुल मेरा रेडी है, इसमें हम डालेंगे ये टमाटर। टमाटर को हम एक टमाटर काटे हुए हैं छोटे छोटे टुकड़े में, और ये हम एक प्याज काट लिए हैं, प्याज को भी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े में काटे हैं। और ये है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिए हैं। और ये हरी मिर्च है और ये कटा बारीक हरा धनिया है, तो हम इसे अब डाल देंगे इसमें। हरी मिर्च भी डाल देंगे, प्याज और टमाटर। इस रेसिपी से आप लोग एक बार बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी ये बनता है नाश्ता। और अब इसमें हम बारीक कटा हरा धनिया भी डाल देंगे। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा सोडा, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालेंगे, चुटकी भर या आधा चम्मच डाल सकते हैं आप। और इसमें अभी तक हम नमक नहीं डाले थे, तो अब हम नमक डाल रहे हैं, नमक अपने स्वाद अनुसार डाल लेंगे। बहुत ही नई रेसिपी हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब इसे सारे को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। तो देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इस पे हम गैस ऑन करके पैन रख दिए हैं गर्म होने के लिए, आप चाहे तो फ्लैट तवा भी रख सकती हैं। अभी ये मेरा बिल्कुल रेडी है, गैस का फ्लेम हम थोड़ा तेज कर लेंगे। और यहाँ लिए हुए हैं घी, तो हम घी को डाल देंगे। सवाल
अच्छे से मिला लेंगे। हो गया है, आप देख सकते हैं। तो आप किसी भी कलछल या चम्मच, बड़ा वाले चम्मच के आप जो भी हो उससे आप कर सकते हैं। हम एक कलछल लेंगे और इसे इसमें डाल देंगे। हम ज्यादा नहीं डालेंगे, एक एक करके ही डालेंगे। तो ये ना इडली है ना डोसा है, आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया बनने वाला रेसिपी है। आप फटाफट नाश्ते में बना सकती हैं और टेस्टी नाश्ता बिल्कुल बनेगा। तो अब देखिए इधर हो गया, हम इसे पलट लेंगे। बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस पे फिर हम हल्का सा घी लगा लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही लगाएंगे। बहुत कम तेज घी में बनने वाला ये नाश्ता है। तो इसे हम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा। और इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल बन के रेडी है, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छा बन के ये तैयार हुआ है नाश्ता। ऐसे ही हम और बना लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे, आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो देखिए हम एक आपको दूसरे तरीका से भी बना के दिखाते हैं, आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। इसे फैला लीजिए। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं बड़ा, और हम इसके पहले आपको दिखाए थे छोटा भी बनाकर, ये भी बहुत आसान से बन जाएगा। साइड साइड में हल्का सा तेल लगा दीजिए आप। तो देखिए इसे हम पलट लिए हैं, बहुत ही अच्छे से सेककर तैयार हुआ है। और इसे हम जो है हल्का हल्का सा फिर तेल लगा लेंगे साइड साइड से, बहुत थोड़ा थोड़ा ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। और इसे अच्छे से हल्का हल्का दबा देंगे ताकि अंदर से भी अच्छे से सेक जाए, कच्चा नहीं रहे बिल्कुल।
आप लोग बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनने वाला है और बहुत ही जल्दी। तो देखिए ये बिल्कुल सेक कर रेडी है, इसे अब हम निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार है, गैस हम ऑफ कर देंगे। हम इसे आपको दिखाते हैं, आप चाहे तो इसे ऐसे कर सकती हैं काट के चार भागों में भी। और ये बहुत ही अच्छा बन के रेडी हुआ है। और हमने इसके पहले ऐसा भी बना के आपको दिखाया था, आप चाहे तो इतना बड़ा बड़ा भी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आप लोगों को और दिखाते हैं आगे, तो देखिए अब बिल्कुल रेडी है, फटाफट बन के नाश्ता मेरा रेडी हुआ है। बिल्कुल अलग नाश्ता है, आप सभी लोग ज़रूर बनाइएगा और बना के हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का ये कैसा बना। धोई का तो बहुत ही अच्छा बनने वाला है। और इसके साथ आप खट्टी चटनी खाइए या फिर आप अचार या स्वास किसी चीज़ के साथ खा सकती हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप लोगों को आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का नाश्ता कैसा बना। और हाँ, अगर आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूला करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आप सभी लोगों से फिर मिलूंगी कल कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान दीजिए। मैं आज का वीडियो यहीं बंद करती हूँ।